हेलो गाइस, मेरा नाम नितीश, आप देख रहे हैं नितीश एडिट्स। तो गाइस, आज हम देखेंगे कि DNG फॉर्मेट में आप प्रेसेट कैसे क्रिएट कर सकते हो Lightroom मोबाइल से। तो गाइस, अपडेट आ चुका है Lightroom का, उसमें अब ये ऑप्शन आ चुका है। तो अगर वीडियो नहीं देखी तो मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके अपडेटेड वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसके नए फीचर्स क्या हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी इमेज को इम्पोर्ट कर लीजिए एंड ओपन कर लीजिए। आपको जिस तरीके की टोन को एडिट करना है आप जस्ट सिंपली उसको इसमें कर दीजिए। मैं जस्ट डिफरेंस के तौर पर कुछ कुछ इसमें छेड़ देता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंस दिखे नॉर्मल और ओरिजिनल इमेज में। एंड जब आप अपनी एडिटिंग को कंप्लीट कर लें उसके बाद जस्ट सिंपली आपको शेयर पे क्लिक करना है एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पहले JPG फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट के तौर पे मिलेगा, लेकिन मैंने इसमें लास्ट टाइम DNG से एक एक्सपोर्ट करी थी तो मेरे में DNG था। तो जस्ट सिंपली आपको फाइल टाइप पे क्लिक करके DNG पे क्लिक करना है। एंड अगर आपको इसमें इसको रीनेम करना है, आपके जो नेम है आप उसमें कस्टम नेम पे क्लिक करके आप अपना टाइटल डाल सकते हैं एंड बैक जाके राइट क्लिक, और आपकी जो DNG प्रेसेट है वो क्रिएट हो चुकी है। तो जो आपकी DNG प्रेसेट क्रिएट हुई है वो रॉ फॉर्मेट में हुई होगी, तो मैं आपको एक बार उसे यूज़ करके भी दिखा देता हूँ। जिस पहले से यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे एंड Lightroom, ये आपकी है, ये रॉ फॉर्मेट में हो चुकी है। ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जस्ट सिंपली उसे ओपन करेंगे एंड कॉपी सेटिंग जैसे नॉर्मल प्रेसेट के तरीके से करते हैं एंड राइट क्लिक एंड बैक। एंड आप अपनी किसी और फोटो में उसे जब पेस्ट करो तो जस्ट सिंपली दूसरी फोटो को इंपोर्ट करें एंड पेस्ट सेटिंग। तो गाइज, ऐसे आप DNG फॉर्मेट में आप मोबाइल से भी प्रेसेट क्रिएट कर सकते हैं और इसे आप अब शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।